जो ये इंडिपेंडेंट फ्लोर है 240 स्क्वायर यार्ड के फ्लोर है और नॉर्थ फेसिंग ये फ्लोर है। आइए हम आपको ले चलते हैं अंदर। सबसे पहले ये एंट्री गेट जो कि विनियर की फिनिश में है, यूजुअली हम लैमिनेट देखते हैं बट ये विनियर की फिनिश में है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फ्लोरिंग। ये एंट्री करते के साथ ही आपका एक तरफ डाइनिंग स्पेस एरिया, दूसरी तरफ आपका लिविंग रूम एरिया हो जाता है। आइए पहले मैं आपको लिविंग रूम स्पेस दिखाते हैं। ये लिविंग रूम स्पेस है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी वेल वेंटिलेटेड है ये जगह। यहाँ पे आपको फैंस, लाइट्स वगैरह, फिटिंग्स जो आप देख रहे हैं जो ऑलरेडी है आपको लगी हुई मिलती है। सामने एक यूटिलिटी बालकनी है जो कि यूजुअली आजकल बहुत कॉमन है बट काफ़ी अच्छा होता है। आप सुबह सुबह धूप ले सकते हैं, शाम को अपनी टी कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। ये हमारा बेडरूम है। बेडरूम के अंदर भी एक दरवाज़ा है जो कि आपको बालकनी की तरफ निकलता है और सामने हमारा वॉशरूम है। फिनिशिंग का काम यहाँ पे अभी चल रहा है, मैं अंदाज़ा लगाता हूँ तकरीबन 7 से 10 दिन का फिनिशिंग का काम रह रहा है। आप देख सकते हैं इधर, अगर अमित आपको दिखाएंगे, वार्डरोब का काम चल रहा है, टाइल्स कुछ पड़ी हुई हैं, कुछ माइनर फिनिशिंग जो फाइनल टचेज हैं वो दिए जा रहे हैं। सामने बालकनी है, खिड़कियाँ दी हुई हैं जो कि अमूमन ही आपको गुड़गांव दिल्ली के घरों में नहीं दिखता है, काफ़ी अच्छी वेंटिलेशन है। वॉशरूम की बात करें तो काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम है, एक तरफ क्यूबिकल बनने वाला है, एक तरफ आपकी फिटिंग्स हैं। अमित आपको अंदर से दिखाएंगे वॉशरूम। जैक्वार की स्टैंडर्ड फिटिंग है, आप टाइल्स देख सकते हैं काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, लाइटिंग भी एम्बिएंट है। अब हम आते हैं डाइनिंग स्पेस जो हम पहले भी दिखा चुके हैं आपको, जो कि आपके घर के बाकी एरियाज़ को कनेक्ट करता है। ठीक डाइनिंग स्पेस के सामने ही आपका किचन है, मॉड्यूलर किचन है, काफ़ी स्पेशियस है, यू शेप में है। फिटिंग्स वगैरह इसमें भी ऑलरेडी लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं मेरिनो लैम का इसमें काम हो रखा है, गीजर वगैरह के लिए पॉइंट्स दे रखे हैं, मतलब ओवरऑल काफ़ी अच्छा ये किचन बना हुआ है। सीलिंग की बात करें तो फॉल्स रूफ हो रखा है, पंखे लगे हुए हैं, यहाँ पे आपके चिमनी के लिए वेंट दिया हुआ है ऑलरेडी। सारी की सारी ओवरऑल किचन काफ़ी स्पेशियस, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग, काफ़ी अच्छे फिटिंग्स हैं इसमें भी। आइए हम आपको बाकी के दो कमरे दिखाते हैं। ये हमारा आप कह सकते हैं मास्टर बेडरूम है, इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी जगह बनी हुई है, एक तरफ आप क्लोजेट बनवा सकते हैं, इधर ये वार्डरोब भी बन रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ फाइनल टचेस चल रहे हैं अभी, वार्डरोब का भी काम रह रहे हैं। आप ऊपर फॉल सीलिंग देख सकते हैं। ओवरऑल सारे कमरों में जो फिनिशिंग है, जो ट्रीटमेंट है वो सेम है। आपको अमित एक क्विक राउंड व्यू दिखा देंगे। सामने यूटिलिटी बालकनी है जो दोनों ही कमरों को कनेक्ट करता है। आइए हम बालकनी से होते हुए चलते हैं। काफ़ी हेवी डोर्स हैं ये, आप लोकेलिटी देख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की ये कॉर्नर फेसिंग हाउस है तो आपको काफ़ी अच्छी स्पेस मिलती है यहाँ पे। सामने आप देख सकते हैं अमित ने जैसा दिखाया वो शिक्षांतर स्कूल है जो कि साउथ सिटी में पड़ता है। सो अगर हम लोकेलिटी की भी बात करें तो आप बहुत ही प्राइम लोकेशन पे हैं, आपके घर के ठीक सामने स्कूल है, आसपास हॉस्पिटल्स हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्सेस हैं, बहुत ही प्राइम लोकेशन है अगर हम इसकी बात की जाए तो। आइए अमित हम लास्ट कमरा दिखाते हैं अपने ऑडियंस को। ये है लास्ट रूम, काफ़ी स्पेशियस है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक वार्डरोब का काम बाकी है अभी जो कि अगले 7-8 दिनों में फिनिश हो जाएगा। कुछ फाइनल फिनिशेस चल रहे हैं, कुछ पेंट जॉब्स चल रहे हैं। और ये वॉशरूम है, काफ़ी स्टाइलिश, काफ़ी अच्छा वॉशरूम है, अमित दिखाएंगे आपको। हर रूम की जो सीलिंग इन्होंने करी, फॉल सीलिंग करी, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में करी है। जैसा कि आप देख सकते हैं हर रूम की फॉल सीलिंग अलग अलग बनी हुई है डिज़ाइंस में, बट काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छा। ओवरऑल हम बात करें अगर इस प्रॉपर्टी की अमित, तो
मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा लोकेशन है, जैसा कि मैंने अभी भी दिखाया, आपने भी कैमरा में दिखाया, आप साउथ सिटी वन के प्राइम लोकेशन पे हैं। आपके ठीक पीछे शिक्षांतर स्कूल हैं, आसपास स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्सेस हैं। ये आपका कॉर्नर का घर है, तो लोग चाहते हैं कॉर्नर का घर रहे ताकि आपको टू साइड ओपन मिलता है। हर रूम में खिड़कियाँ हैं, वेल वेंटिलेटेड हैं, स्पेशियस है, हवादार है, काफ़ी जगह है। ओवरऑल मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है एक और जो हम आपके लिए लेके आए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं समराइज़ कर रहा था आपके लिए, ओवरऑल एक प्राइम लोकेशन पे कॉर्नर फेसिंग घर, आपको दो साइड ओपन है, पीछे स्कूल वगैरह, और ये बालकनी। बस मैं आपको एक बार दिखाना चाहता था कि कितनी अच्छी लोकेलिटी है, आप कितने अच्छे लोकेशन पे हैं। देखिए अभी भी कितनी अच्छी धूप आ रही है, यहाँ पे हवा भी चल रही है, आसपास सब कुछ हरा भरा है। मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी, वन ऑफ द चोजन प्रॉपर्टी दैट वी हैव गॉट फॉर यू। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी कोई क्वेरी है प्रॉपर्टी को लेके, प्राइसिंग को लेके, या आपने साइट विजिट करनी है, तो अमित या अभिषेक को रीच आउट करें कमेंट सेक्शन के थ्रू, या फिर जो नंबर ऊपर फ्लैश हो रहा है उसके थ्रू। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर दिस एपिसोड ऑफ वॉचिंग दिस एपिसोड ऑफ गुड़गांव दिल्ली NCR प्रॉपर्टीज़। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी लगी होगी। मैं आपका होस्ट आशीष आज के लिए आपसे अलविदा कहता हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई प्रॉपर्टी के साथ। अगर आपको कोई और प्रॉपर्टी देखनी है, आप चाहते हैं हम आपके लिए कोई प्रॉपर्टी गुड़गांव में कवर करें, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम आपके लिए ज़रूर कवर करेंगे। थैंक यू।